प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों के समेकित करने के और सिद्धांतों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पूर्व प्रस्तापित करने का अनुमति दी जाए। एक मिनट माननीय गृहमंत्री जी, प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में, हां वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री द्वारा विधेयक को पूर्व स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सदन बी सारे सांसदों को निलंबन कर रहे, महोदय इसके कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबंध या उससे अनुसंचित विषयों को उत्पन्न करने के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में, हां वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं इस पे? हाँ। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आज 18 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि है। मैं पूरे सदन के सामने शीश झुकाकर उनको नमन करना चाहता हूं और उनकी स्मृति से प्रेरित होकर युगों युगों के लिए जो युवा देश के लिए काम करेंगे वो सब के लिए महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी का जीवन प्रेरणा के स्रोत हमेशा के लिए रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, आज का ऐतिहासिक दिवस है। आज के ही दिन दादरा नगर हवेली का भारतीय संघ में विलय हुआ था और भारतीय संघ एक प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र बना था। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम जब मैं ये तीन विधेयक लेकर आया हूं, उस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और आजादी के अमृत काल की शुरुआत होने का समय है। 15 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा और 16 अगस्त से आजादी की 75 साल से 100 साल की यात्रा की शुरुआत होगी, जो निश्चित रूप से महान भारत की रचना करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो विधेयक 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयक के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए
ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे, अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो तीन नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध, दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है। मोदी जी ने 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों ने बनाए हुए जितने भी कानून जिस विभाग में है सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा विचारणा और सोच विचार कर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी चालू हुई, ढेर सारी कंसल्टेशन की प्रक्रिया इसके लिए हुई है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं हर जगह पे व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। मैंने अगस्त 2019 में ही देश के सारे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायाधीशों को लिखा था, देश की सारी लॉ यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा था, 2020 में थोड़ी बेस बनने के बाद सारे सांसदों को लिखा, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा,
सारे राज्यपालों को लिखा, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कंसल्टेशन के बाद ये प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि बेज बरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति 2011, 2005, 2006 इसकी रिपोर्ट 111वीं, 110वीं, 146वीं ये सारी रिपोर्टों का बृहद संकलन कर सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से, हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को, सारे सुझावों को कंसीडर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाईकोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर कराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूं ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। माननीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी के को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी, 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी, 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून, सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती, परंतु इसके अलावे आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्तावों का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं, कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है, पजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज्यादा जगहों पे है, हर मेजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है, टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इस कानून से हमने नए युग को जोड़ने का भी प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं, लोगों की श्रद्धा उठ गई है,
कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों, कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में घर गई। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं। अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है, अब संपूर्ण ट्रायल क्रॉस सहित की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा, और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये करने से पहले इसमें कोई न्याय के बारे में कोई गोता ही न हो जाए, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और देश भर के सारे विद्वानों को, इस विषय के विद्वानों के साथ बैठकर इसकी चर्चा कर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट के साथ बैठकर उसको बनाया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त मान्यवर हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे निर्दोष नागरिक को फंसाया न जा सके। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें, मेरे यहाँ रख दिया गया, मेरे यहाँ था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चलान चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है, आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट को मिलने लगे। ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे। माननीय, ये कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है, वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मान्यवर, ये दोनों चीजें हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि ये इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। ये कानून में हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वो अप्लाई होगा। मानो एक कोर्ट किसी राज्य ने तैयार कर दी तो वो कोर्ट नोटिफाइड कर सकते हैं, एक जिला जब हो जाएगा तो वो जिला नोटिफाइड कर सकते हैं, एक क्षेत्र हो जाएगा तो क्षेत्र, अंततो गत्वा 27 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कंप्यूटराइज करके रखेंगे। इसी प्रकार से मोबाइल फोरेंसिक वान का भी हमने एडवांस में अनुभव कर लिया है। मान्यवर, आज मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर
सात साल से ऊपर की किसी भी गुना होता है सजा का, जिसमें प्रावधान हो ऐसा कोई भी गुना होता है, तो एफएसएल की टीम इसको विजिट करती है। ये सफल प्रयोग हमने दिल्ली के अंदर कर दिया है। बेंगलुरु में अब सरकार बदल गई, भगवान जाने क्या होगा, मगर हमारी सरकार थी तब बेंगलुरु में भी इस प्रयोग की शुरुआत की थी। इसके लिए हमने मोबाइल एफएसएल के कंसेप्ट को लॉन्च किया है और सफल कंसेप्ट है मान्यवर। हर जिले में 3 मोबाइल एफएसएल घूमती रहेगी और गुना के जगह पे जाएगी। नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 0 एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान। गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे। गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा। ई एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है, इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम रिस्पॉन्सिबल। कई बार पकड़कर पुलिस 4 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर, और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मान्यवर। ये प्रैक्टिस में कई जगह पे है परंतु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से, कानून से अब होगा। मान्यवर, सालों तक केस चलते नहीं है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान करे हैं। छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को 20,000 तक की गुनाहों में ले लिया गया है और 3 तक की जिसमें सजा है वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे। इस एक ही प्रावधान से 40% केसों कई सेशन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाप्त हो जाए। मान्यवर, आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है आगे की जांच 6-6 अब नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्टें बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। आप 3-3 तक फैसला पेंडिंग नहीं रख। कई सारे जज ऐसे थे पूरी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा, 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने और फैसले को 7 के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी तो एक प्रावधान है जिसे उनको सुरक्षा मिली हुई, सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर, सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे।
हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हा या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को फेस करेगा। माननीय, एक बहुत बड़ा दिक्कत मैंने देखा है कि एसपीएन आते किसी ने एक केस जांच किया है तो डीजीपी या तो रिटायर्ड होने के बाद वो केस चलने पर आता है और उनको गवाही देने जाना है। हमने ये प्रक्रिया के अंदर आमूलचूर परिवर्तन किया है कि जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा, जो पहले था उसको आने की जरूरत नहीं। मानवर, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, इसके कारण इतना देर होती, इतनी देर होती। आज हमने तय, हमने बारीकी से ट्रायल किस चीज के कारण लेट होती है इसका अभ्यास किया है। सबसे ज्यादा डेट अगर लगे तो यही कि भैया वो तो डीजीपी हो गए, डीजीपी साहब को समय नहीं होगा, तहसील में कैसे आएंगे, जब उनकी विजिट है तो डेढ़ साल तक गवाही नहीं होती। मगर अब कोई डीजीपी साहब या तो रिटायर्ड बाबू को बुलाने की जरूरत नहीं, वहां जो एसपी है वो फाइल देखकर, और वो डीजीपी साहब को कुछ याद भी नहीं है, उन्होंने भी फाइल देखकर ही कोर्ट को असिस्ट करना है, मगर ये नहीं होता था। अब हमने ये कर दिया है, घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी ये है नहीं, वरना यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें लिए, संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और पहचान, गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है जो आज नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है, मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो कोई प्रावधान नहीं था, बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था, अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले रहे। मान्यवर, एक 324 इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी, मानो कोई अपाहिज हो गया, ब्रेन डेड हो गया, मृत्यु नहीं हुई, पूरा पैर कट गया, हाथ कट गया, तो भी 7 साल की सजा थी, और किसी को थोड़ा लगा रिपेयर होकर एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गए तो भी 7 साल। हमने दोनों को अलग कर दिया हमेशा के लिए। अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो आजीवन कारावास में बदलने का। बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। मान्यवर, अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे, अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं, 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनेगार को मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा करेगी, इसका भी प्रावधान मान्यवर हम लेकर आए हैं। मान्यवर, राजद्रोह पर अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था, मैं इस सदन को कहना चाहता हूं एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है, राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र, सबको बोलने का अधिकार है,
राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील करें मान्यवर। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सबको कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुछ करने का अधिकार भी है। मान्यवर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएगी। दुनिया में वो कहीं पर भी छिपे, सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। मान्यवर, आप, मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूँ, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल पर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ाना। मान्यवर, इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूल चूर परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है, अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है। दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्य ने दिया है परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो, इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करे और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं और माननीय स्पीकर महोदय मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी, गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को। एक प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पुरस्तापित करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को गृह विभाग की
गृह विभाग के कार्य संबंधित। माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीनों विधेयकों को गृह कार्य संबंधित, गृह विभाग के कार्य संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। माननीय पूछना चाहती हूँ, अब इसमें एक मिनट पूछ ले। वो गृह मंत्री जी को बधाई देती हूँ, बहुत ही बड़ा परिवर्तन। सर, सिर्फ एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो लोग जेल की सजा काट के अभी भी जेल में 30-30 साल से, कुछ उनके लिए भी इसमें है कि नहीं, एक ये पूछना। सर, दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली जो जमीन में होता है, सब घर घर तक नशे पहुंच रहे हैं, जो घर वाले किसी को बताते भी हैं तो उनके बारे कोई उनका एक्शन नहीं लिया जाता, तो कोई प्रावधान इसके लिए भी कुछ होगा? एक मिनट गृह मंत्री जी माफी का सवाल है, माफी अपराध क्या है इसके आधार पर करने का संपूर्ण वैधानिक प्रावधान। बी मेहताब जी, सजा पूरी कर ली इसको छोड़ने के लिए, सजा पूरी नहीं होती है, जन्मटिप होती है, अंतिम सांस तक होती है, इसको 14 साल में करने का जेल के अधिकारी के पास अधिकार होता है, वो अधिकार के उपयोग के लिए भी गुना को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए। बी मेहताब जी।